मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए। हेलो हेलो, मालिक बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं। कौन होगी मूवी की लीड एक्ट्रेस? कितना जाएगा मूवी का बजट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। सलमान खान की अभी काफी मूवीज अपकमिंग है और उसी में एक नाम आता है मझधार मूवी के सेकंड पार्ट मझधार 2 का। इस मूवी के बारे में अभी इतना कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे मझधार मूवी का रिस्पॉन्स आया था, उम्मीद की जा रही है कि इसका कुछ अलग और अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। बात करें मूवी के मेन लीड एक्ट्रेस की, तो मझधार में हमें मनीषा कोइराला दिखी थी। मनीषा एक नेपालीज एक्ट्रेस है जिन्होंने हिंदी और तमिल सिनेमा में काम किया है। ये हिंदी फिल्म जैसे संजू, दिल से, मन में देखने को मिली थी। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि मझधार मूवी का बजट 1.5 करोड़ रहा था, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफी हाई था। लेकिन फिल्म इतनी हिट नहीं गई थी, लोगों ने इसको ज्यादा पसंद नहीं किया था। लेकिन इस मूवी के बाद सलमान खान की कई मूवीज हिट गई थी और सलमान खान की फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस बार सलमान खान अपने फैंस को इस मूवी के सेकंड पार्ट से इम्प्रेस कर पाएंगे या नहीं, या ये मूवी भी मझधार की तरह फ्लॉप हो जाएगी। इसके फ्लॉप होने के बाद भी मेकर्स ने सोचा था कि वो इस बार फिल्म में कुछ अलग और नया कॉन्सेप्ट दिखाएंगे जो उस मूवी के सीक्वल होगी। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मझधार 2 का बजट काफी हाई जाने वाला है। इसका बजट कम से कम 25 से 30 करोड़ तक रहने वाला है। मूवी की लीड एक्ट्रेस के बारे में ये खबर आई थी कि इस बार शायद हमें सलमान खान के ऑपोजिट अनुष्का शेट्टी दिख सकती हैं। अनुष्का शेट्टी तेलुगु और तमिल सिनेमा की बेस्ट एंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस मानी जाती है। अनुष्का शेट्टी ने कई हिट फिल्मों में काम किया है जैसे बाहुबली, अरुंधति, वेदम। अनुष्का मझधार 2 से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले इन्होंने बॉलीवुड के किसी मूवी में काम नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मूवी भी इनके साउथ की मूवीज की तरह सुपरहिट जाए। मझधार मूवी का टाइटल ये नहीं बल्कि कुछ और था। ये मूवी 1996 में ये मझधार के नाम से आई थी। कुछ लोगों को इस मूवी की स्टोरी काफी पसंद आई थी, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था, जिसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप भी हो गई थी। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि सेकंड पार्ट भी कुछ अलग नाम से आएगा और इसकी स्टोरी की काफी अलग होने वाली है। ये मझधार रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जिसमें हमें एक अलग तरीके की लव स्टोरी देखने को मिले थी। ठीक इस मूवी की तरह मझधार 2 भी एक रोमांटिक मूवी होने वाली है जिसमें हमें उसी मूवी का सीक्वल देखने को मिल सकता है। वी विश दैट मूवी विल बी सुपर हिट एज सलमान खान्स ऑल हिट मूवीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।